हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लैक पर्ल पे। तो आज हम बात करेंगे बीटेक की, बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग, जो कि एक डिग्री कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन 4 ईयर होती है। तो मैंने इसको डिवाइड कर रखा है 4 फेसेज में। तो पहली है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेकंड थिंग इज IMU CET एग्ज़ाम, और फिर आता है कॉलेज एंट्रेंस जो कि ऑप्शनल है। तो जो थर्ड फेज पे मैंने रखा है वो है मेडिकल, फोर्थ फेज पे रखा है मैंने एडमिशन। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट फेज की। जो फर्स्ट फेज है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो हमें इसमें क्या चाहिए, हमें इसमें चाहिए 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड विद 60% इन PCM, और 50% मार्क्स चाहिए हमें इंग्लिश पे आइदर इन क्लास 10th और 12th। तो हम बात तो ये तो हो गई फर्स्ट फेज की बात। तो हम बात करेंगे सेकेंड फेज जो कि है IMU CET एग्जामिनेशन। तो IMU CET की फुल फॉर्म होती है, ये होती है इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो ये मस्ट होता है इसमें एक जब आप एग्जाम देते हो तो आपकी एक रैंक आती है, जो रैंक है वो बहुत जरूरी है किसी भी IMU CET अप्रूवल कॉलेज पे एडमिशन लेने के, जो कि एक वैलिड वे भी है ये मरीन इंजीनियरिंग और मरीन फील्ड पे एंट्री लेने का। तो अब हम बात करेंगे ऑप्शनल फेज की जो कि है कॉलेज एंट्रेंस। तो जो कॉलेज एंट्रेंस है, देखिए कुछ कॉलेजेस होते हैं जो IMU एफिलेटेड होते हैं, अप्रूवल्स होते हैं जिनके पास IMU का, तो उनके कुछ एंट्रेंस भी होते हैं। तो वो नॉर्मली जैसे कि आपको पहले वीडियो में बताया होगा, वो लेते हैं रिटर्न, लेते हैं साइकोमेट्री, लेते हैं पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं, और कुछ कॉलेजेस होते हैं जो नहीं भी लेते हैं एंट्रेंस, वो IMU के रैंक के बेसिस पे आपको एडमिशन दे देते हैं। तो हम बात करेंगे थर्ड फेज की जो कि है मेडिकल। तो जो इसका मेडिकल है, मेडिकल में आपको बीटेक में आई साइट की तो इतना कुछ है नहीं, 6x9 6x18 एक्सेप्टेबल है, और जो मैक्सिमम वो है मैक्सिमम पावर जो परमिटेड है वो है ±2.5, और कोई भी आई रिलेटेड प्रॉब्लम एक्सेप्टेबल नहीं है। नो कलर ब्लाइंडनेस एक्सेप्टेड नहीं है। हाइट वेट डजंट मैटर ही नहीं करता, हाइट वेट तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स ज़्यादा ओबीस तो नहीं चलेगा, और सीरियस प्रॉब्लम नहीं एक्सेप्टेबल, एनी इंजरी मतलब कोई सी भी इंजरी नहीं होनी चाहिए, और कोई भी मतलब कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम जो आपकी बॉडी पे इफेक्ट करे, और जिस मतलब कुछ भी हो सकता है, और नो इम्पेयरमेंट इन हेयरिंग, सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और जो इसकी मैक्सिमम एज है वो है 25 ईयर्स। तो अब हम लास्ट फेज की बात करेंगे जो है एडमिशन। तो एडमिशन आप उसी के कॉलेज पे लें जो कॉलेज या तो आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करे, या तो उस कॉलेज पे लें अगर स्पॉन्सरशिप कंडक्ट नहीं हो रहा है, तो उस कॉलेज पे ले जिसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत बढ़िया हो। जैसे कि आप कोई सा भी कॉलेज चूज कर रहे हैं तो आप लिस्ट बनाइए उन कॉलेजेस की, और उनके 5 ईयर के रिकॉर्ड चेक करिए, प्लेसमेंट रिकॉर्ड कौन कौन सी कंपनीज में बच्चों को प्लेसमेंट हुआ है, कौन कौन सी कंपनीज है, तो वो चेक करिए। अगर आपके पास रेफरेंस है तो आपको कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपको डायरेक्ट किसी भी कॉलेज पर एडमिशन मिल जाएगा अगर आपके पास रेफरेंस है किसी का। पर ये ध्यान रखिए, जब भी आप एडमिशन लें तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड का ध्यान रखें, क्योंकि कॉलेज कंप्लीट होने के बाद प्लेसमेंट की बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ बेस्ट कॉलेजेस फॉर बीटेक। तो जो बीटेक के लिए बेस्ट कॉलेजेस हैं उसमें आता है पहला, वो है IMU चेन्नई, प्लेसमेंट रिकॉर्ड इसका भी अच्छा है, एमिट तमिलनाडु पे, चेन्नई पे ये, और फिर आता है मैनेट पुणे, IMI ग्रेटर नोएडा। देखिए मैं IMI ग्रेटर नोएडा से पढ़ा नहीं हूँ, पर मुझे तभी भी ये बहुत बेहतरीन कॉलेज लगता है, क्योंकि मोस्टली इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तोलानी मेरीटाइम इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा कॉलेज है मुंबई पे, और फिर आता है वेल्स मरीन कॉलेज चेन्नई, समुद्रा मुंबई पे, HIMT चेन्नई पे। तो ये कुछ बेस्ट कॉलेजेस हैं, और मैं फिर से ये बात दोहराता हूँ कि जितने भी कॉलेजेस हैं जो मरीन इंजीनियरिंग के हैं वो DGS अप्रूव तो होने ही चाहिए, और साथ में AICTE भी अप्रूवल उनके पास होना चाहिए। ये बहुत मोस्ट मतलब सबसे बड़ी बात है। फर्स्ट थिंग आप DGS तो
मान के चल लो कि अगर आपको कोई सा भी कॉलेज पे कोई सा भी मरीन फील्ड पे मरीन प्रोग्राम पे एंट्री लेनी है तो डीजी शिपिंग का बहुत ख्याल रखो, डीजी शिपिंग लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। और फिर मरीन अगर इंजीनियरिंग कोर्स में ले रहे हो, इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हो तो AICTE अप्रूवल भी होना चाहिए, और साथ में GP को छोड़ के और GNE कोर्स को छोड़ के और एक दो और कोर्सेज को छोड़ के IMU का अप्रूवल भी होना चाहिए, मींस IMU अप्रूव्ड भी होने चाहिए कॉलेज। और अब बात करते हैं उनकी जो लेटरल एंट्री से भी बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो है एडमिशन, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए या तो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकल से, और या तो फिर उनके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पे, तो आप इसे डायरेक्टली सेकेंड ईयर पे एडमिशन ले सकते हैं मरीन इंजीनियरिंग में। और जो इसकी फीस होती है 5 to 7 lakh होती है, और जो बीटेक की नॉर्मल जो बीटेक की होती है फुल 4 ईयर की कोर्स की 4 ईयर की फीस वो होती है 9 to 15 lakh। Thanks for watching. Like, share and subscribe and hit the notification bell for more content. Jai Hind, Jai Bharat.